मोरारा सांसद रेखा वर्मा ने मोदी सरकार की कार्यशैली का किया गुणगान। यूपी के सीतापुर में एक निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आई धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की सांसद रेखा वर्मा ने मोदी सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने इन 5 सालों में वो कर दिखाया जो आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि गरीब हो या अमीर, हर वर्ग भाजपा सरकार से संतुष्ट है। आने वाला समय भी भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि आप सभी का सहयोग एवं आशीर्वाद मिल रहा है। इस अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष दिनेश गुप्ता टीटू, महौली भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अजय शुक्ला, भाजपा नेता महेंद्र वर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जो सरकार थी वो किस तरह से खर्च कर रही थी, और हमें आवश्यकता था कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, तभी जाके हम अपने जो उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएंगे। आज सब लोग जानते हैं कि वास्तविक में हिंदुस्तान में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ नहीं दिया गया। अभी एक भाई हमारे कह रहे थे कि कांग्रेस ने कहा कि हम किसान को 7,000 रुपया महीना देंगे। अरे भाई, 70 साल सरकार चलाने के बाद आप सोते रहे क्या? आपने 700 रुपए का उनका फायदा नहीं कराने की कोशिश की। 70 साल सरकार में रहने के बाद में देश की स्थितियां नहीं बदली। विश्व में हमारा देश 10वें नंबर पे रहा, और नरेंद्र भाई मोदी जी के आते ही हमारा देश का विश्व में 6ठा स्थान स्थापित हो गया। और बहुत समय बाद आपको कुछ समय बाद सुनने को मिलेगा कि वास्तविक में विश्व में हमारा देश नंबर 1 पे पहुंच गया है। इस विचारधारा के साथ हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। आप सब लोग देखते हैं कि उन्होंने एक नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, उस नारे के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज उन्होंने कोई भेदभाव न करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ हर नागरिक को देने का प्रयास किया है। आज बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सब लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे दल है जो केवल सबको लेके नहीं चलती, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये साबित कर दिया है कि हम सब दलों के लोगों को लेके चलते, सब समाज को लेके चलते हैं। और इसीलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास।